उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की समीक्षा बैठक में जहां कार्यों पर मंथन किया गया तो वहीं अगले कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की गई। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की आपातकालीन सभा का आयोजन सदर तहसील स्थित जिला कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर संगठन सदस्यों ने आंदोलन पर मंथन किया। वक्ताओं का कहना था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपने साथियों के लिए जो जंग लड़ी है उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। प्रदेश सरकार का शासनादेश उन्हें मिल गया है। लेखपाल संघ के खंड मंत्री भीम सिंह चौहान ने सिटी न्यूज संवाददाता को बताया, हमारी समस्याओं के संबंध में काफी दिन से हमारा संवर्ग आंदोलन कर था, ठीक है, जिसके संबंध में तो हमने तहसील दिवस और दिवसों का बहिष्कार किया था, प्रतीकात्मक आंदोलन स्वरूप धरना प्रदर्शन भी किए थे। उसके फलस्वरूप शासन ने हमारे संवर्ग के पक्ष में कुछ अभी जो समस्याएं हैं कुछ किया है, और उसमें जो शासनादेश कुछ निर्गत होने वाले हैं हमारे, उसके संबंध में लोगों को सबको जानकारी देना और काफ़ी हमारी संवर्गीय समस्याएं हैं उनके संबंध में समीक्षात्मक बैठक आज हम उसमें यह है। हमारी एक था स्टेशनरी भत्ता जो हम लोगों को 15 रुपये मिलता था प्रति महीने, क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं, उसके फलस्वरूप शासन ने उसको बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया है। दूसरा इसके अलावा एक जो नियत यात्रा भत्ता फिक्स था वो 50 रुपये मिलता था, उसको भी बढ़ा करके 100 रुपये कर दिया। इसके अलावा एक और हमारी सेवा को तकनीकी सेवा मानते हुए विशिष्ट सेवा माना है सरकार ने, और उसको मानते हुए हमें 100 रुपये प्रति माह विशिष्ट भत्ता देने का निर्णय किया है, जो हमारे संवर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जिस तरह से कभी पुलिस वालों का 50 रुपये पौष्टिक भत्ता सरकार ने घोषित किया था, आज वो बढ़कर के 500 हो गया है। संभवतः हम ये आशा करते हैं कि हमारे संवर्ग के लिए ये जो 100 रुपये से स्टार्टिंग की गई है, आगे हमारे संवर्ग की जो भी समस्याएं हैं उनको सहायक समाधान करने में ये सहायक होगा। इस अवसर पर लेखपाल संघ जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौधरी, शकील साबरी, विष्णु दत्त यादव, मोहम्मद शफी, ब्रजपाल मौर्य, हाजी जुल्फुकार हुसैन, परवेज अहमद समेत भारी संख्या में लेखपाल मौजूद थे।